सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सिद्धांत फ्रूथी आप सभी संगीतकारों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल में जाना था खटके के बारे में, तो आएगा आज जानते हैं मुर्गियों के बारे में। हालांकि इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, तो आप वहां पर जाकर उसको चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ इस आई कार्ड पर भी क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो आएगा आप जानते हैं कि किस तरीके से मुर्गियाँ इस्तेमाल में ली जाती हैं और किस तरीके से उसका रियाज किया जाता है। तो सबसे पहला पैटर्न है जिसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, जिसका आरोह है सारे रेसा रे ग ग रे ग म म ग म प प म प ध ध प ध नी नी ध नी सा सा नी सारे रेसा। और इसका अवरोह है वही ऊपर से ही आएंगे, ऊपर का सारे रेसा नी सा सा नी ध नी नी ध प ध ध प म प प म ग म म ग रेगा गरे सारे रेसा। मैं अभी अपने स्केल पर यानी सी शार्प पर इसको गा रहा हूँ। आप चाहें तो आप अपने स्केल के अकॉर्डिंगली अपने गले के हिसाब से आप किसी भी स्केल से इसको रियाज कर सकते हैं, पैटर्न वही होगा और आपने उसको सेम तरीके से ही फॉलो करना है। जैसे सारे रे सारे ग गरे ग म म ग म प प म प ध ध प ध नी नी ध नी सा सा नी सारे रे सा सारे रे सा नी सा सा नी ध नी नी ध प ध ध प म प प म ग म म ग रे ग ग रे सारे रे सा। एक बार और सारे रे सारे ग ग रे ग म म ग म प प म प ध ध प ध नी नी ध नी सा सा नी सारे रे सा सारे रे सा नी सा सा नी ध नी नी ध प ध ध प म प प म ग म म ग रे ग ग रे सा फास्ट गाना होगा आपको मुर्गी के लिए। सारे रे सारे ग ग रे ग म म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि सा सा नि सारे रे सा सारे रे सा नि सा सा नि ध नि नि ध प ध ध प म प प म ग म म ग रे ग ग रे सारे रे सा। अब आपने इसमें करना क्या है कि जो इसका पैटर्न है सा रे रे सा, तो आपने सिर्फ सा को प्रोनाउंस करना और बाकी होगा अल्प रूप में प्रयोग, जैसे सारे रे सा सा रे ग ग रे रे इसकी शुरुआती प्रैक्टिस होगी, मगर आपको इसको मुर्की बनाने के लिए थोड़ा सा स्पीड में गाना होगा, जैसे सारे रे सारे ग ग रे ग म म ग म प प म प ध ध प। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने पहले सारे रेसा को सा ही बोलना है, रे ग ग रे को रे ही बोलना है, ग म म ग को ग ही बोलना है। तो आप अगर ये थोड़ा सा स्पीड में होगा तो सारे रे सारे ग ग रे ग म म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि सा सा नि सारे रे सा सारे रे सा नि सा सा नि ध नि नि ध प ध ध प म प प म ग म म ग रे ग ग रे सारे रे सा। एक बार और मेरे साथ आप चाहे तो गा सकते हैं सारे रे सारे ग ग रे ग म म ग म प प म प ध ध प ध नि नि ध नि सा सा नि सारे रे सा सारे रे सा नि सा सा नि ध नि नि ध प ध ध प म प प म ग म म ग रे ग ग रे सारे रे सा। फाइनली सारे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। एक बार और सारे ग म प ध नि आप चाहें तो उसको आकार में भी रियाज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी मुर्गियां आकार के रूप में भी यूज की जाती है। जैसे सारे रेसा है तो आप इसको, जैसे अगर आप सा बोल रहे हैं सा, तो आप इसको पूरा आकार में बोलेंगे, यानी पूरे पैटर्न को आपने आकार में बोलना, यानी आ करके जैसे आ, आ, आ,
भाई का आप नजर डालते हैं दूसरे अलंकार पर, जिसका आरोह है सारे सा। हालांकि ये वाला अलंकार भी आपने किया होगा, सारे सा रे गा रे गा मा गा, ये मैंने आपको खटके वाले ट्यूटोरियल में भी बताया था, मगर अब इसमें ट्विस्ट ये है कि इसको दो दो बार बोलना है, सारे सा ठीक है। अब एक बार आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, सारे सा रे गा रे गामा गा मापा मा पध प धनी ध धनी ध निशानी सारे सा ऊपर का, और उसका अवरोह वैसे ही होगा, सारे सा निशानी निशानी धनी ध पध प मापा मा गामा गा रेगा रे सारे सा। अब एक बार आइए सबसे पहले इसको गा के देखते हैं। अब इसमें आपने करना क्या कि जैसे हमने खटके के लिए उसको अलग करा था जैसे सारे सा, मगर आपने इसको जोड़ जोड़ के गाना है, मगर थोड़ा स्पीड में। सबसे पहले इसको धीरे गा के देखते हैं, सारे सा ऐसे आपको जोड़ के गाना है इसको, ऐसा नहीं सारे सा ऐसे ब्रेक नहीं करना, आपको जोड़ के ही गाना है सारे सा रे गा रे रे गा रे। एक बार और थोड़ा धीरे गाते हैं, सारे सा रे गा रे रे गा रे गा मा गा गा मा गा मा पा मा मा पा मा पा ध पा पा ध पा ध नी ध ध नी ध नी समझते हैं कि इसको मुर्की में किस तरीके से इस्तेमाल में लिया जाएगा। जैसे जो आप पैटर्न बोल रहे हैं सारे सा यानी दो बार सारे सा। अब आपने इसमें करना क्या है कि आपको सिर्फ सा बोलना है इस पूरे फ्रेज में और बाकी सब अल्प रूप में आएगा, जैसे सारे सा सा। एक बार और करते हैं, सारे सा सा वैसे रे में रे ग रे रे ग रे रे, और वैसे गा में गा मा गा गा मापा मा में भी सेम आएगा मापा मा मा पा में भी सेम पा ध पा पा धनी दा धा निशानी नी सारे सा सा। अवरो में भी सेम सारे सा सा निशानी जानी नी धनी दा धा पा ध पा पा अच्छी ट्यून लग रही है। तो अब आएगा इसको अलग अलग करके रियाज करते हैं, जैसे सारे करेंगे पैटर्न। और भी इंटरेस्टिंग है कि आपने इसी वाले पैटर्न को चार चार बार बोलना है, तो कह सकते हैं कि चक्री वाली टाइप की एक मुर्की बन जाएगी, जिसे कहा जा सकता है, जिसका पैटर्न है
सारे सा सारे सा सारे सा सारे सा। अब आपने उसी सारे सा को चार चार बार रिपीट करना है, जैसे कि सारे सा वाला पैटर्न भी चार बार, रे गा रे वाला पैटर्न भी चार बार। जैसे एक बार गाके देखते हैं, सारे सा सारे सा सारे सा सारे सा रे गा रे रे गा रे रे गा रे रे गा रे गा मा गा गा। अभी नॉन स्टॉप होना चाहिए, इसमें कोई भी ब्रेक ना हो, ऐसा ना हो सारे सा सारे सा सारे सा सारे सा, ऐसा नहीं, कंटिन्यूसली वो चलता रहेगा। एक बार और करते हैं, सारे सा सारे सा सारे सा सारे सा रे गा रे रे गा रे रे गा रे रे गा रे गा मा गा गा मा गा गा मा गा गा मा गा मा पा मा मा पा मा मा पा मा मा पा मा पा दा पा पा दा पा पा दा पा पा दा पा दा नी दा दा नी दा दा नी दा दा नी दा नी सा नी नी सा नी नी सा नी नी सा नी सा रे सा सा रे सा सा रे सा सा रे सा। अब रो भी वैसे सारे सा सारे सा सारे सा सारे सा नी सा नी नी सा नी नी सा नी नी सा नी दा नी दा दा नी दा दा नी दा दा नी दा पा दा पा पा दा पा पा दा पा पा दा पा मा पा मा मा पा मा मा पा मा मा पा मा गा मा गा गा मा गा गा मा गा गा मा गा रे गा रे रे गा रे रे गा रे रे गा रे सारे सा सारे सा सारे सा सारे सा। अब वैसे आपने क्या करना है कि इस पूरे चार वाले फ्रेज में, जैसे सारे सा सारे सा सारे सा सारे सा, इस चार में सिर्फ आपको सा बोलना, जैसे हमने पिछले वाले पैटर्न में करा था, जैसे चाहे तो मेरे साथ भी कर सकते हैं एक बार और सारे फास्ट करते हैं इसको सारे जानते हैं चौथे पैटर्न के बारे में, जिसका आरो है सारे सासा रेगा रेरे। हालांकि ये भी मैं अपने अलंकार वाली वीडियोस में बता चुका हूं, अगर आप कुछ अलंकारों के पैटर्न्स और जानना चाहते हैं तो आप मेरी अलंकार वाली वीडियोस देख सकते हैं और उसमें से कुछ अलंकारों के बारे में जान सकते हैं, जिसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया ही है। तो आएगा अगला अलंकार है जिसका आरो है सारे सासा रेगा रेरे गामा गागा मापा मामा पध पापा धनी ध ध निशा नीनी सारे सासा, और इसका अवरोह है सारे सासा निशा नीनी धनी ध ध पध पापा मापा मामा गामा गागा रेगा रे रे सारे सासा। अब आएगा इसको सबसे पहले गा के देखते हैं। अब जो अलंकार में जो तरीका था, हम इसको ऐसे गाते थे सारे सा सारे गा रे रे गामा गागा मापा मामा पध पापा, मगर इस अलंकार का अंदाज हम थोड़ा सा चेंज करेंगे मुर्की में ढालने के लिए। जैसे जो इसका फ्रेज है सारे सासा, हमने उसमें क्या करना है कि जैसे हम उसको सारे सासा इक्वली सबको बैलेंस कर रहे हैं, मगर जो इसमें पहला लेटर है यानी कि सा, उसको आपने बोल के थोड़ा सा होल्ड करना है, फिर रे सासा थोड़ा सा फास्ट करना है। जैसे जो पैटर्न है सारे सासा, अब उसमें सारे सासा आपने पहला लेटर थोड़ा होल्ड करना है, उसके बाद बाकी वाले जो लेटर्स बचे हैं जैसे सा रे सा सा जो बचा उसको आपने एकदम से झटके से बोल देना सारे सासा रे गरे रे। अब आपने इसी तरीके से इस पूरे अलंकार को गाना है, जैसे सारे सासा रे गरे रे ग म ग ग म प म म प द प प धनी धनी सनी नी सारे सजा नी सनी नी धनी धधा पद पप म प म म ग म ग ग रे ग रे रे सारे सजा। एक बार और सारे सजा रे ग रे रे ग म ग ग म प म म प द प प धनी धनी सनी नी सारे सजा नी सनी नी धनी धधा पद पप म प म म ग म ग ग रे ग रे रे सारे सजा। अब आपने इसको भी, जैसे कि मैं आपको अपने पिछले पैटर्न्स में बताता ही आ रहा हूँ कि आपने सिर्फ सा को प्रोनाउंस करना है सारे सासा में, और रेगा रेरे में रे को जैसे सा सारे सासा सा रेगा रे 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 ग म ग ग ग म प म म म प ध प प प। अब आपने इसी तरीके से इसको पूरा गाना है, जैसे सारे
तो इस तरीके से कर सकते हैं आप मुर्कियों का रियाज। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच, नमस्कार।